अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त जो है हम माणक्याल में मौजूद है और आज का हमारा सफ़र जो है वो चुकेल तक है। चुकेल बांडा हम जाएंगे और माणक्याल से हम अपना पैदल सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस वक्त हम माणक्याल में है और सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अपना सफ़र जो है यहाँ से शुरू किया और आगे जो है ये बड़ई का पुल है और इसी पुल को क्रॉस करते हुए आपने सीधा जाना है और यहाँ से तकरीबन सेरई गांव तक 2-3 किलोमीटर का रास्ता है और हमारा सफ़र इस वक्त जो है वो सेरई गांव के लिए शुरू हो चुका है। सेरई में हम स्टे करेंगे, कुछ आराम करने के बाद फिर हम चुकेल के लिए निकल जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारे साथ आप भी ये सफ़र इंजॉय करें। इस वक्त हम सेरई गांव पहुंच गए हैं और ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट, तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट सफ़र करने के बाद हम बड़ई गांव से सेरई गांव पहुंच गए हैं और अभी हम आपको सेरई गांव दिखाएंगे और इसके बाद चुकेल का मुश्किल रास्ता शुरू होगा और फिर आगे हम आपको चुकेल से अपडेट करेंगे। माणक्याल से इसका फासला 8 किलोमीटर है और बड़ई गांव से इसका फासला 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हम इधर पहुंच गए हैं और यहां पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है हम अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारी मंजिल जो है वो चुकेल की मरगज़ार है और चुकेल की मरगज़ारों में हम जाएंगे और रास्ता तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है और ये 1.5 घंटे का रास्ता जो है आप खूबसूरत जंगल में करते हैं, इंतहाई खूबसूरत रास्ता है, तो हम आपको दिखाएंगे तमाम रास्ता और फिर आगे जो है वो चुकेल के मरगज़ार दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए और हमारे साथ साथ आप भी ये सफ़र हमारे साथ इंजॉय करें।
लो जी, फाइनली हम चुकेल बांडा पहुंच गए हैं। एक बहुत मुश्किल सफ़र था, और तकरीबन सेरे गांव से यहाँ पर हमें कोई 70-80 मिनट लगे। इंतहाई टफ रास्ता था, लेकिन जब भी आप मुश्किल रास्ता तय करते हैं तो आप खूबसूरती को देखते हैं। और यहाँ पर जो है ये बात सच साबित होती है, चुकेल बांडा इंतहाई खूबसूरत। जो थका देने वाला सफ़र हमने किया और इसके बाद जो इसका सिला मिला, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इधर, बहुत खुश है। और अभी हम आपको चारों तरफ से चुकेर बांडा की खूबसूरती दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। फाइनली जो है हम चुकेल बांडा में मौजूद हैं। चुकेल बांडा जो सदे समंदर से 10,700 फीट की बुलंदी पर है, इंतहाई खूबसूरत बांडा है आप देख सकते हैं। और इसका जो सेरे गांव से इस फासला जो है यहाँ तक तकरीबन 1.5 घंटे का है। रास्ता जो है आखिरी घंटे में थोड़ा जो है हार्ड हो जाता है। सफ़र के बाद जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपकी तमाम थकावट इस खूबसूरती को देख कर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत बांडा। और अभी हम जो है वापसी का प्रोग्राम तरतीब देते हैं, तब तक आप इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए।